तो आज हम लेकर आए हैं बिहार की टॉप 5 डिशेस, जिसमें बिहार का सत्तू का पराठा, लिट्टी चोखा, चंपारण मटन और ना जाने क्या क्या शामिल है। तो चलिए एक एक करके आपको बिहार के डिशेस दिखाते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं। चलिए भाई, पहली डिश जो हम लेकर आए हैं जो कि बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट मैंने बिहार की कई सारी स्ट्रीट फूड वीडियोस भी देखी है जिसके अंदर मैंने इस डिश को बहुत बार देखा है, वो है सत्तू की ये ड्रिंक। अभी ड्रिंक बिहार में कितनी पसंद है मेरे को बिहार वाले लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप बताना कि आपको कितनी पसंद है। और इसके साथ हम लेकर आए हैं सत्तू के पराठे, मतलब बिहारी ब्रेकफास्ट, और उसमें सत्तू के पराठे ना मौजूद हो तो भाई वो ब्रेकफास्ट ही इनकम्प्लीट लगता है। तो चलिए सत्तू के पराठे खाते हैं विद सत्तू ड्रिंक, अभी ट्राई करते हैं। ये टेस्ट में कैसा है? दाल का पराठा, गजब बेइज्जती है। तो भाई सत्तू अपना होता तो एक तरह का अनाज ही है, मतलब जो को बेसिकली सत्तू बोलते हैं, जो से सत्तू बनता है, और ये काफी हेल्दी ऑप्शन बताया जाता है। और इसको हम ट्राई कर रहे हैं सत्तू की ही ड्रिंक के साथ। ये सॉल्टेड है, अरे वाह यार, बड़ी सही लग रही है। तो छाछ से काफी रिजेम्बलेंस है, बट सत्तू की ड्रिंक अपने आप में टेस्ट तो बढ़िया कर रही है यार, मतलब पहला बिहारी फूड खाया और इसी ने अपने आप को पास करवाया। अगला दिखाते हैं। चलिए भाई अगले डिश लेकर आए हैं जिसके बिना तो मेरी नजरों में बिहारी खाना अधूरा है, लिट्टी चोखा, जिसके अंदर ये लिट्टी होती है आटे की, साथ में होती है हमारी बाटी। हाँ चोखा चोखा चोखा, ये है लिट्टी, इसके अंदर भी सत्तू है क्या? बड़ा फूखा फूखा है यार, लिट्टी चोखा मैंने पहले भी खाया है, मेरे को लगा है जिस जगह से आया ना ये मजेदार नहीं है। जैसे आती है लिट्टी तो उसके ऊपर गरम गरम घी डलता है, फिर इसको आप खाते हो जो कंटाप स्वाद आता है, मतलब मजा ही आ जाता है। ये टेस्ट तो बड़ा ही सोसो और बड़ा ही एवरेज लग रहा है, हालांकि अभी भी सब्जी के जो फ्लेवर है वो बड़े ही फैंटास्टिक है। आज के डिश के हिसाब से तो मेरे को इसको एवरेज बोलना पड़ेगा, रियली सॉरी। हम आपको दिखाते हैं अगली डिश। चलिए भाई बिहार की जो अगली डेलिकेसी हम आपके लेकर आए हैं ना, वो एक ऐसी डेलिकेसी है जो बनी बिहार में, प्रसिद्ध बिहार में हुई, लेकिन भाई दिल्ली जैसे शहर में भी अब उसने अपना बोलबाला कर रखा है। डिश का नाम है चंपारण मटन, जो कि बिहार में हांडी में प्रिपेयर होता है, और भाई क्या तो उसकी प्रिपरेशन होती है और भाई क्या तो उसका स्वाद होता है। और अब तो दिल्ली में भी इनफैक्ट कई जगह पर बिहार के चंपारण मटन ने अपनी धाक जमा रखी है, क्योंकि भाई बोलते हैं ना एक बिहारी सब पर भारी। चलिए वो भाई हांडी में दम दिलाने के बाद इस डिश का जो टेस्ट आता ना वो होता बड़ा कमाल, मतलब हमारे अंदर का बिहारी बाबू जाग जाता है यार। हम तोहार गोरिया से प्यार करतवा, रेट माय बिहारी स्किल्स गाइस। बाकी अगर मैं चंपारण मटन को रेट करूँ ना 5 में से 4 साढ़े 4 नंबर कहीं नहीं गए इसके। लेकिन अभी एक और बिहार की डिश आनी बाकी है, तो अगली डिश पे बढ़ते हैं। चलो भाई बिहार की आखिरी 2 डिशेस आपको दिखाते हैं जो कि डिशेस नहीं बल्कि डेजर्ट्स हैं, और ये है बिहार का मालपुआ और बिहार के तिल के लड्डू। भाई ये दोनों डिशेस बिहार के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए भाई हम भी आज लेकर आए कि भाई हम भी चख लेते हैं। वैसे पहली बार नहीं है कि हम मालपुआ खा रहे हैं, तिल के लड्डू खा रहे हैं, लेकिन अब बिहार स्पेशल वीडियो बना रहे हैं ना तो तब खाने का मजा और ही आता है। तो चलिए ट्राई करते हैं भाई। ये एक ऐसी डिश है ना जो मेरे को बहुत पसंद है, इन मीठी मीठी पूरियों का जो स्वाद होता है ना बेहद कमाल है। मुझे याद है हम लोग उस फंक्शन में गए थे, याद है एक कीर्तन वीर्तन में, जिसमें हम दबा के मालपुए पेले थे। मतलब बिहारी फूड में अगर मेरी कोई फेवरेट डिश होगी ना आज की वीडियो में, ओवरऑल मालपुआ इज द वन। अगला तिल के लड्डू, ये ठीक ठीक है, लेकिन मालपुआ का भाई कोई मुकाबला नहीं है। आज की वीडियो को मेरी समझी तो आप समझ गए कि भाई मालपुआ इज माय फेवरेट बिहारी डिश। बाकी बिहार की इन डिशेस में से मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर छोड़ते जाना। अगली वीडियो में क्या मंगाना है, किस राज्य का मंगाना है, आप कहां से बिलोंग करते हो, आपके शहर का कुछ लेके आना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, टेक केयर गाइस, बाय बाय।